मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे छोटे भाई डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो कि राज्यसभा के सांसद सदस्य हैं और हम लोगों के साथ में हम लोग एक साथ वहां पर हैं, हमारी इस विधानसभा में जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायती जी ने अपना आशीर्वाद देकर के आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है श्री आनंद दुबे जी, और यहाँ पर बैठे हमारे बीच में डॉक्टर साहब डॉक्टर पीएस दुबे जिन्होंने कि जो इतने बड़े सम्मान बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, इनको इनका नाम मैंने बहुत पहले से सुन रखा है क्योंकि इनके अस्पताल भी हैं, इन्होंने कोरोना के दौरान में जिस तरह से लोगों की मदद करी है वो ऐतिहासिक है और सराहनीय भी है। भाइयों, आपको मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि आपने सब बातें सुनी ली है, सबने बात अपनी रखी है, लेकिन मुख्य बातें कुछ आपसे करना चाहूंगा और वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। एक बहन मायती जी की सरकार थी जो 2007 से 12 में थी और एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो कि 12 से 17 रही और 3 से 7 भी रही, और एक अभी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। तीनों सरकार में क्या फर्क है ये आपके सामने है, और ये जो अभी की सरकार है उसके जो बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी बातें बताई जाए वो कम है कि कितना इन्होंने धोखा देने का काम किया, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, लोगों से धोखा से वोट लिया, वोट लेने के बाद उनको वापस कुछ नहीं दिया, सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ झूठे वादे। जैसे 15 लाख का वादा किया था इन्होंने कि 15 लाख हर एक खाते में चला जाएगा, एक नया पैसा नहीं भेजा। नौजवानों से कहा, जैसा कि अभी कपिल मिश्रा ही कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने की जगह नौकरियां लेने का काम कर दिया, क्योंकि जितने भी सरकारी संस्थान थे चाहे वो रेलवे हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे बैंक हो, जहां 4 लाख करोड़ का घोटाला करके उन बैंकों को भी इन्होंने बेचने का काम किया, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी हो, HAL हो, और जितने भी संस्थान है चाहे रेलवे हो, जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती थी इनको इन्होंने बेच दिया, जिससे नौकरियां खत्म हो गई। नौजवान सड़कों में आ गया, जहां उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती थी उनको ठेके में दे दिया, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ब्रिज कॉरपोरेशन हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं जहां पर लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिलती थी, उत्तर प्रदेश का नौजवान व्यक्ति पढ़ करके डिग्री लेके वहां जाता था और नौकरी इन्होंने उसको ठेकेदारी में दे दिया, ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया, उनसे भ्रष्टाचार करके उनसे रुपया लिया ठेकेदारों से और उनके हाथ पे दे दिया। अब वो किसी को 2000 पकड़ाते हैं, किसी को 5000 पकड़ाते हैं और किसी के पास भी स्थायी नौकरी नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं वोट लेने के लिए। आप सबको मालूम है कि जब चुनाव आया तो चुनाव के एक महीने पहले पहुंच गए मुख्यमंत्री जी और उनके और मंत्री लोग और क्या कहते हैं कि हम तुमको मोबाइल फोन दे रहे हैं, 4000 का मोबाइल फोन ले लो और हमको वोट दे दो। अरे ये भूल गए, ये नौजवान लोग पढ़े लिखे जिनको आपने लाठी डंडे दिए, जब उन्होंने आंदोलन किया तो आपने उनका सर फोड़ा, तो वो आज याद कर रहे हैं, बहन मायती जी को याद कर रहे हैं जिन्होंने आते ही 1,12,000 उन्होंने नौकरियां तो पहले 3 महीने में दे दी थी सफाई कर्मियों के नाम से, उसके बाद 2 लाख उन्होंने कांस्टेबल्स की नियुक्ति की थी, पुलिस वालों की 3 लाख, अध्यापकों की थी, अपने 5 साल के कार्यकाल में 23.5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया था, रोजगार देने का काम किया था, वो सब लोग याद कर रहे हैं कि एक वो थी जिन्होंने कहा नहीं था करके दिखाया, एक ये है, और समाजवादी पार्टी वाले जो कहते हैं लिख के झूठा घोषणा पत्र बनाते हैं और फिर धोखा देने का काम करते हैं, फिर लाठी डंडे देते हैं और क्या कहते हैं, जब लोगों ने आंदोलन किया तो उनके लाठियां चली, उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो लाठी, हम तुम्हीं ने तो हमसे कहा था हम वोट देंगे, तो कहते हैं तुमको तो समझदार होना चाहिए, पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो, तुम ही नहीं समझ पाए हमको तो फिर क्या है, हमने तो 15 लाख की बात भी कही थी, किसी को मिला 15 लाख तो तुम्हें समझ लेना चाहिए था, और उसके बाद क्या किया, क्या सलाह क्या देते हैं, कहते हैं हम तुमको एक सलाह दे सकते हैं, हाँ ये सलाह दे सकते हैं, तुम बड़े PhD और डिग्री लेके आए हो, जाओ पढ़े लिखे हो तो पकौड़ा बेचो और ठेला लगाओ, अच्छा पकौड़ा बेचोगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे। इस तरह से धोखा देने का काम किया, महिलाओं से काम तुमको सुरक्षा देंगे, क्या सुरक्षा दी, महिलाओं से वोट ले लिया सुरक्षा के नाम पे, उनसे ये कहते हुए तुम्हारे रसोई के दाम कम करा देंगे, गैस बढ़ा दी, 200 रुपए सिलेंडर था उसको 1200 पहुंचा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम
40 से 50, 50 और 60 के बीच में थे, 100 के पार करा दिए। और जब ये सब चीजें हो गई तो अपने आप सारी चीजों के दाम बढ़ गए, रसोई के हर चीज के दाम बढ़ गए। नतीजा क्या हुआ कि आज सबकी कमर टूट गई, महिलाओं की रसोई टूट गई। जहां 50 रुपए में अगर काम चलता था वहां 500 में भी नहीं चलता है। उनसे कहा हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। सुरक्षा के नाम पे महिलाओं ने इसलिए वोट दे दिया क्योंकि उसके पहले वो पीड़ित थी। उन्होंने 7 से 12 की सरकार के बाद 12 से 17 की जो सरकार झेली थी समाजवादी पार्टी की, जहां रोजाना कितने जो भी अखबार उठाओ न्यूज चैनल देखो तो यही देखने को मिलता था, महिला के साथ बदसुलूकी, महिला का बलात्कार, यही देखने को मिलता था। उन्होंने इनको वोट दे दिया क्योंकि इन्होंने कहा हम सुरक्षा देंगे। ये चोंगा पहन के आए थे, लोग समझे इस चोंगे के पीछे सत्यता होगी, सही बोल रहे होंगे। वो क्या जानते थे कि चोंगा के अंदर और चेहरा कुछ और है और फोटा कुछ और है। वो तो बाद में पता लगा जब इन लोगों ने इनकी असलियत जानी। क्या देखा आज ये हम नहीं कहते हैं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है इनकी, जो सरकारी रिपोर्ट होती है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में हर दो घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। क्या यही सुरक्षा मानी थी? बहन मायती जी की याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को, हम लोगों की बेटियों को घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती थी, हिचकिचाती नहीं थी, बगैर पूछे घर से निकल जाती थी क्योंकि उनका काम था जरूरी। और क्यों निकल जाती थी बगैर डरे हुए? क्योंकि उनको ये मालूम था कि हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमारी तरफ कोई भी बदनीयती से आंख उठा करके नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। इन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों से क्या कहा, हम तुम्हारी आमदनी दोगुना कर देंगे। दोगुना आमदनी करने के लिए जगह उन्होंने तो उन्हीं के जमीन छीनने का काम कर दिया। उन्होंने ऐसा 4 कालों कानून बनाए जिसके तहत में किसान को मजबूरन उनको अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़ती। इनके चुनिंदा जो भाई वही उद्योगपति जिनके हाथों में पूरा देश बेच दिया, पूरे देश की संपत्ति बेच दी। तो वो समझ गया कि एक बार पट्टे में जमीन गई इनके हाथ में, जीवन भर को वापस नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो आंदोलनरत हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, देश में भी हुआ। हम लोगों ने भी लोकसभा राज्यसभा में करा, बाहर भी किया आंदोलन में, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश करी किसी तरह से आंदोलन को, इसके इनके आंदोलन को रोक दिया जाए और आंदोलन खत्म कर दिया जाए। खत्म करते करते उसकी योजना बनाते बनाते इतने नीचे गिर गए कि लखीमपुर में जाकर के मंत्री और मंत्री के बेटे ने, और क्या क्या मंत्री के बेटे ने, अपनी मंत्री की गाड़ी से 4-4 किसानों को कुचल के मार दिया और कितने एक दर्जन से ज्यादा अपंग बना दिए, घायल कर दिए। हम तो खुद गए थे वहां देखने उसी दिन किस तरह से तड़प रहे थे लोग, वो भी देखा, जो अपंग हो गए हमेशा के लिए। इन्होंने उन किसानों के साथ नहीं, किसानों से कहा कि हम जो है तो है आमदनी दोगुना कर देंगे। क्या दोगुना कर दी उन्होंने आमदनी? आमदनी जो थी किसानों की, उन्होंने गन्ने का दाम जो था, जब चुनाव आ गया, चुनाव की घोषणा हो गई, 1 महीने पहले 25 रुपए का बढ़ाने का काम किया, 5 साल तक नहीं बढ़ाया। इस महंगाई में 5 रुपए सालाना समाजवादी पार्टी ने 35 रुपए बढ़ाए थे, सिर्फ 35 रुपए। उन्होंने भी चुनाव जब घोषणा होने वाली थी उसके पहले किया था, इन्होंने 25 रुपए किया और कहते थे आमदनी दोगुना कर देंगे। बहन मायती जी ने उसी की जगह, उन्होंने कुछ इस तरह की घोषणाएं नहीं की थी, लेकिन किसानों का दर्द हो, गरीबों का दर्द हो, टीचरों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, अल्पसंख्यक समाज की समस्या हो, हर वर्ग की समस्या हो, उनको मालूम है और उसी हिसाब से काम करती हैं। किसानों के लिए भी उन्होंने फिर, जब उनकी सरकार थी, 125 रुपए क्विंटल दाम मिलता था गन्ने का, उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम, दोगुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। इन्होंने तो हर तरफ धोखा दिया, खाली विज्ञापनों में अपनी शक्ल दिखाई, विज्ञापनों में अपने काम दिखाए, विज्ञापनों में 300 करोड़ रुपया महीना का खर्चा किया। 300 करोड़ जोड़ लीजिए तो 5 साल में तो 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च कर लिया, सिर्फ किस लिए कि इनकी तस्वीर अखबार में छिपे, टेलीविजन में दिखे, डराए, अपनी तस्वीर दिखा दिखा करके, खुद ही कहते हैं मेरी डरावनी तस्वीर है, देखो मैं आ रहा हूँ, और उसका तस्वीर छपवाते हैं अपनी, और नीचे जो है लिखते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। कौन सा विकास कर रहे हैं? कहाँ पर विकास हुआ है? पूरे प्रदेश में कहीं इन अखबारों के अलावा, टीवी चैनल के अलावा कहीं विकास होता हो, हुआ हो तो वो दिखेगा, जब किया ही नहीं तो कहां से दिखेगा। लेकिन 20,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने अपनी तस्वीर छपाने के लिए लगाए, अगर झूठ बोलने के लिए लगाए, अगर यही रुपया इन्होंने गरीबों के लिए लगा दिया होता, स्कूलों में लगा दिया होता, बच्चों के खाने में लगा दिया होता, स्कूलों में मिलता है तो बच्चे सैकड़ों संख्या में बीमार ना होते स्कूल में खराब खाना खा के, और अगर इन्होंने दवाई में लगा दिया होता,
इंजेक्शन में लगा दिया होता, डॉक्टरों के ऊपर लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, तो जो लाखों लोग मर गए कोरोना के दौरान में, जो मंजर हमने देखा कि किस तरीके से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो दूसरे प्रदेशों में लोग मजबूरन जाते हैं नौकरी करने, वो पैदल चल चल के आ रहे थे, महिलाएं चल के आ रही थी, अपने कंधों में बच्चे लगा कर आ रही थी, सूटकेस में बांध करके ला रही थी घसेटते हुए, वो सारे दृश्य सबने देखे हैं। लेकिन इनका मन नहीं पसीजा, इनको समझ में नहीं आया कि 20,000 करोड़ रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, इनके ऊपर थोड़ा सा लगा दो। अगर थोड़ा सा भी लगा दिया होता तो हर पूरी सड़क में जहां से वो लोग आ रहे थे कैंप लग जाते, सड़क के किनारे कैंप लग जाता, खाना मिल जाता, बसें लग जाती, लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम हो जाता, दवाई मिल जाती, डॉक्टर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाते। ये सब चीजें आपने दे दी होती तो आज वो लाखों लोग हमारे बीच में जिंदा होते और उनकी मौत नहीं हुई होती। आज वो यहाँ मौजूद होते, जो दृश्य हम लोगों ने देखे कि जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ी नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, लोगों को जो है गंगा नदी में बहा दिया गया और बहाने के लिए मजबूर हुए लोग, और जब वहां पर भी नहीं लाशें बहनने लगी तो गंगा किनारे दबाने का काम किया, और उसके बाद किस तरह से जानवरों ने उनको नोचा खसोटा, वो गंदे दृश्य, भयानक दृश्य हम लोगों ने देखे, जो कि हम लोगों के मस्तिष्क में हमेशा, अच्छा जिस जीवन के अंत तक हम लोगों के मस्तिष्क से हटेंगे नहीं, वो जो हम लोगों ने देखने का काम किया। इनको लेकिन कोई फर्क नहीं, अभी भी कहते हैं पीठ ठोक करके हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि आप ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि आनंद दुबे जी जो है आपके प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो इसलिए है ये क्योंकि इनको बहन मायती जी ने, हमारी मुखिया ने इनको सिंबल दिया, वरना सही माने में प्रत्याशी तो आप सारे लोग हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना चुनाव खुद लड़िए, अपना चुनाव लड़ करके अपना वोट मांगने का काम करिए। आनंद दुबे जी अगले 24 घंटे जो बचे हैं उसमें हर जगह नहीं जा सकते, 48 घंटे के बाद वोट पड़ने हैं, लेकिन आप लोग आनंद दुबे बन जाइए। एक एक व्यक्ति यहाँ जो है वो आनंद दुबे अपने को कहे, और आनंद दुबे कह करके घर घर जाए, गांव गांव जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लोग जुटे हुए हैं, और खास तौर से इतनी बड़ी संख्या महिलाएं हैं, जहां महिलाएं आशीर्वाद दे देती हैं वो तो जीत ही जाएगा निश्चित रूप से, ये तो तय है। और इनको तो सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, यहाँ पर बुजुर्गों को मिल रहा है, अभी शंखनाद करके जिस तरह से ब्राह्मणजनों ने स्वागत किया, जिस तरह से उन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम किया, चौतरफा आशीर्वाद मिल रहा है। ये तय है कि जहाँ जिसके साथ में डॉक्टर पीएस दुबे जी, इस तरह के डॉक्टर साहब भी खड़े हुए हमारे बीच में हैं, जो कि आपके बीच में दिन रात रहते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच में खड़ा हुआ है, जो जिसके दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहते हैं। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो भी चुनने के बाद 5 साल तक आपको लगाना पड़े साइन बोर्ड कि हमारा एमएलए गायब है, खो गया है, पुलिस वाले उसको ढूंढ करके पेश करें, इस तरह का साइन बोर्ड लगाना पड़े, ये मत करिए। और इसी को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात और आपसे एक मिनट के अंदर कहना चाहूंगा, और वो ये है कि चुनाव जिस दिन पड़ रहा है उस दिन आपको बहुत एक खास चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा दो चीजों का। एक तो जो बहन मायती जी कहती हैं और हर मीटिंग में कहती हैं कि उस दिन सुबह अपने बाकी काम बाद में करिएगा, बाकी दिनचर्या बाद में करिएगा, घर में घर से निकल करके सुबह उठते ही पहले लाइन लगा करके जा करके अपना वोट देने का काम करिएगा, जो आपकी सबसे कीमती चीज है, जो आपका भविष्य बदलने वाला है, जो आपकी विधानसभा का भविष्य बदलेगा, जो आपके आने वाले लोगों का भी भविष्य बदलेगा, तो उसको करिए। उसके साथ साथ में जो सबसे खास चीज आपको जिसे खबरदार रहना है वो क्या है, वहां पर दो मशीनें मिलेंगी आपको, एक मशीन मिलेगी जो बड़ी मशीन होगी, एक छोटी मशीन रखी होगी। बड़ी मशीन में आनंद दुबे जी का नाम होगा, उनके नाम के आगे हाथी का सिंबल होगा, और दूसरी छोटी मशीन होगी उसमें कुछ नहीं होगा। आप जो हाथी का निशान होगा आनंद दुबे जी के नाम के आगे, उसमें बटन दबाएंगे और कस के अंगूठे से बटन दबाएंगे, और तब तक दबाए रखेंगे जब तक छोटी वाली मशीन में आप ये देख न ले कि लाइट जल गई और उसमें आनंद दुबे का नाम आ गया और हाथी का निशान दिख गया और एक घंटी बज गई। ध्यान रखिए तब तक अंगूठा दबा के रखिएगा जब तक कि आप ये ना देख लें कि जहां बत्ती जल गई है और वहां पर आनंद दुबे का नाम दिख गया है और श्री आनंद दुबे के साथ में हाथी का निशान दिख गया है, लेकिन ये नहीं कि आपको दिख गया आपने अंगूठा हटा लिया। अंगूठा तो तभी हटाएंगे जब उस वाली छोटी मशीन में एक घंटी बजेगी, और घंटी बजने के बाद आप देखेंगे कि एक पर्ची कट के नीचे गिर गई, तब आप समझिएगा आपका वोट पड़ गया।
अगर ऐसा ना हो तो वहीं पर अंगूठा दबाए दबाए बगैर हटाए वहां के अधिकारी को बुलाइएगा और उससे कहिएगा कि देखो वोट नहीं पड़ रहा है, अगर गलत पड़ रहा है तो वो भी दिखाइएगा कि हमने तो नाम इनके दबाया है, वोट देखो ये आ रहा है और हम अंगूठा नहीं हटाएंगे जब तक तुम मशीन को ठीक नहीं करोगे, ठीक से दोबारा वोट नहीं लगवाओगे। अगर आपने अंगूठा हटा लिया बगैर ये किए हुए तो ये समझ लीजिए अंगूठा हटाते ही वो मशीन बंद हो जाएगी, फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपके वो अधिकारी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।